गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको कॉमर्स बीएसटी में जो भी मैं इंट्रोडक्शन आपको बता रही हूँ अभी तक, हम उसके आगे देखेंगे कि और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम बीएसटी में पढ़ेंगे। तो कल मैंने आपको लेक्चर में ये बताया था कि कॉमर्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक ट्रेड और दूसरा है एड्स टू ट्रेड, यानी एक तो व्यापार और दूसरी व्यापार की सहायक क्रियाएं। ट्रेड का आपको मैंने कल बता दिया था कि ट्रेड का मतलब है ओनली क्रय विक्रय, यानी परचेज होता है या सेल होता है, कहीं ना कहीं से परचेज किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सेल किया जा रहा है। तो ये परचेज और सेल की जो एक्टिविटीज हैं ये आपकी ट्रेड के अंतर्गत आती हैं। और जो एड्स टू ट्रेड है, यानी परचेज और सेल की एक्टिविटीज के लिए जहाँ पर माल को बनाया जा रहा है, यानी जहाँ पर वस्तुओं को निर्माण किया जा रहा है, वहाँ से वस्तुओं को मार्केट तक पहुँचाने के लिए या उपभोक्ता तक, कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए जो जो बीच बीच में एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज जो हैं वो एड्स टू ट्रेड के लिए कहलाती हैं, यानी व्यापार की सहायक क्रियाएं। अब इसमें मैंने आपको कल बता दिया था कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो है उसके लिए बैंक बहुत कंपलसरी है, बैंक के बिना एक्टिविटीज नहीं होती। कॉमर्शियल बैंक मैंने आपको बता दिया था कि जितने भी बिजनेसमैन हैं अगर उनको पैसा चाहिए अपने बिजनेस के लिए तो वो कॉमर्शियल बैंक से ले सकते हैं। इसी तरह मैंने कोऑपरेटिव बैंक भी आपको बताया था, स्पेशलाइज्ड बैंक भी मैंने आपको कल बताया था, जिसमें आपको बताया था कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यानी आयात निर्यात के लिए अगर बिजनेस होता है तो आयात निर्यात में जो फॉरेन करेंसी है डॉलर वगैरह उसका यूज किया जाता है, तो वो प्रोवाइड कराने का काम जो है स्पेशलाइज्ड बैंक करते हैं। इसके बाद आपके था सेंट्रल बैंक, तो मैंने आपको कल बताया था कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो देश का केंद्रीय बैंक होता है, यानी ऐसा बैंक जो पूरे देश के सभी बैंकों के जो काम है उनके ऊपर कंट्रोल कर सके। तो हमारे देश में देश के सभी बैंकों पर कंट्रोल करने का जो काम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, यानी आरबीआई। इसके बाद मैंने आपको सेकंड जो इसमें एक्टिविटीज थी यानी व्यापार की सहायक क्रिया की जो सेकंड क्रिया है वो बताई थी मैंने, इंश्योरेंस बीमा। यानी तो इंश्योरेंस भी मैंने बताया था क्योंकि बिजनेस में रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है और जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ही ज्यादा जो है बीमा की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो इसमें हम तीन तरह के टॉपिक्स देखते हैं, यानी लाइफ इंश्योरेंस, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो अपना लाइफ इंश्योरेंस जरूर कराते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फायर इंश्योरेंस, यानी क्योंकि जो माल है वो गोदामों में भरा हुआ रहता है हमेशा, तो गोदामों में आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए ज्यादातर जो बिजनेसमैन हैं वो फायर इंश्योरेंस भी काम में लेते हैं। फिर आपको मैंने बताया था मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस का मतलब है समुद्री बीमा, क्योंकि हम आयात और निर्यात जितना भी करते हैं वो आयात निर्यात जो होता है वो समुद्री मार्ग से होता है, तो समुद्री मार्ग में ज्यादातर आयात निर्यात जहाजों के माध्यम से होता है और समुद्र में दुर्घटना होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, इसलिए जो भी बिजनेसमैन अपना सामान या तो भेजते हैं या सामान मंगवाते हैं तो वो मरीन इंश्योरेंस यानी समुद्री बीमा करवा करके ही अपने माल का आयात या निर्यात या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं। इसके बाद हम इसमें देखेंगे थर्ड टॉपिक यानी थर्ड क्रिया एक्टिविटी जो है आपके कम्युनिकेशन सर्विसेज। आज हम ये देख रहे हैं जिसको हम संप्रेषण सेवाएं कहते हैं। अब ये कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या हैं? हमको ये अच्छी तरह से पता है कि आज कोई भी बिजनेसमैन अपने देश में बैठे हुए दूसरे देश के किसी भी बिजनेसमैन से जो है बातचीत कर सकता है, तो कोई भी उसको प्रॉब्लम हो, कोई भी उसको सूचना लेनी हो तो वो आसानी से एक देश से दूसरे देश में सूचनाएं जो है वो प्राप्त की जा सकती हैं या सूचनाएं भेजी जा सकती हैं। तो सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है वो ही कम्युनिकेशन कहलाता है और बिजनेस में कम्युनिकेशन सर्विस का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि आयात या निर्यात, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की बात हो कि हम दूसरे देश से किसी भी चीज को मंगवाना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए क्या होता है, पहले पुराने समय में जो बिजनेसमैन होता था पहले जिस देश से वो सामान मंगवाना चाहता है वहां उसको जाना पड़ता था, फिर वहां उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता था, तब जाकर के माल जो है वो अपने देश में आता था। आजकल किसी भी बिजनेसमैन को आयात या निर्यात करने के लिए या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए किसी भी देश में जाने की जरूरत नहीं होती, वो कम्युनिकेशन जो आपके सर्विसेज हैं, मोबाइल है, फैक्स है, ईमेल है, इनके जरिए एक देश से दूसरे देश में आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं,
बातचीत कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और चीज़ों को अपने देश में बैठे बैठे ही मंगवाने का कार्य कर सकते हैं। चाहे हम इंटरनल बिजनेस में देखें यानी देश के अंदर जो बिजनेस हो रहा है उसको देखें, या एक्सटर्नल बिजनेस यानी देश के बाहर जो बिजनेस हो रहा है, सभी बिजनेस में आज जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं यानी संप्रेषण सेवाएं हैं, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम ये अच्छी तरह से देख रहे हैं आजकल कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। पहले हमको शॉपिंग करने के लिए दुकान जाना पड़ता था और दुकान जा करके हमको उस चीज़ का जो है वो मोल भाव करना पड़ता था, खरीदनी पड़ती थी। आजकल ज़्यादातर जो ब्रांडेड चीज़ें हैं वो ऑनलाइन हमको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ऑनलाइन प्रोवाइड कैसे की जा रही हैं? कम्युनिकेशन सर्विसेज के थ्रू। यानी सारी कंपनियां, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपनी चीज़ों को ऑनलाइन बेचती हैं, वो कम्युनिकेशन सर्विसेज के थ्रू उनको विज्ञापन करती हैं यानी उनको एडवर्टाइजमेंट करती हैं, और उसको देख करके जो कंज्यूमर होता है वो ऑर्डर देता है और वो चीज़ अपने घर बैठे ऑर्डर देने पर घर बैठे अपने पास आ जाती है। तो ये सर्विसेज जो हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये भी किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज भी एक जो है वो व्यापार की सहायक क्रिया यानी एड्स ऑफ ट्रेड के अंदर आता है। इसके बाद हमारा है ट्रांसपोर्टेशन। अब कोई चीज़ जो है मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बन रही है और राजस्थान में उसकी डिमांड है, तो एक देश में वो चीज़ बनती है और दूसरे एक राज्य में चीज़ बन रही है और दूसरे राज्य में उसकी डिमांड है, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में आने लाने ले जाने के लिए जो परिवहन के साधन हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो हर राज्य में नहीं बनती, कोई चीज़ किस राज्य में बनती है और उसकी डिमांड जो है पूरे देश में होती है। तो एक राज्य में जो चीज़ बन रही है उसको वहाँ से पूरे देश में सप्लाई करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी हमारे पास साधन हैं वो सारे के सारे साधन जो है देश के इंटरनल या एक्सटर्नल, बाहर के देशों में भेजना हो तो भी परिवहन के साधन यानी हमारे जहाज जो है पानी के वो काम आते हैं, और अगर देश के अंदर हम देखें तो देश के अंदर भी हमारे जो आपके ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं वो बिजनेस में एक जगह बनी हुई चीज़ों को दूसरी जगह तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद आपके फिफ्थ जो टॉपिक है यानी व्यापार की सहायक क्रियाओं में जो पांचवा पॉइंट है वो है वेयर हाउसिंग सर्विसेज। वेयर हाउसिंग सर्विसेज का मतलब है भंडारण। यानी हम ये पहले भी बता चुके हैं कि जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम ये कहें अनाज, गेहूं है, चावल है, जौ है, मक्का है, बाजरा है, ये सब चीज़ें फसल पर साल में एक बार उत्पादित होती हैं, लेकिन इन चीज़ों की जो डिमांड होती है, अब जैसे गेहूं का कहें हम, तो गेहूं की डिमांड साल भर बनी रहती है। तो जो चीज़ साल में एक बार उत्पादित हो रही है उसकी डिमांड साल भर चल रही है, तो साल भर चलने के लिए जो व्यवसायी हैं या बिजनेसमैन हैं उनको वेयर हाउसिंग सर्विसेज यानी भंडार करके रखने के लिए बड़े बड़े गोदामों की आवश्यकता होती है, और उन गोदामों में जो चीज़ें हैं वो भंडार करके रखी जाती हैं। तो भंडार गृह भी जो होते हैं वो आपके बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया कि बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं, बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं, इसीलिए फायर इंश्योरेंस यूज आता है, क्योंकि स्टोरेज में जो सामान रखा है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए फायर इंश्योरेंस काम आता है। इसके बाद है आपके एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन की भूमिका आज के युग में हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आज हम जिन चीज़ों को कंपनियां बनाती हैं, कोई भी नई चीज़ कंपनी बना रही है, उस नई चीज़ के बारे में जो कंज्यूमर होता है वो जानता नहीं है, लेकिन विज्ञापन के माध्यम से यानी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उन चीज़ों का बार बार जब विज्ञापन आता है, अलग अलग मीडिया वाले जो उत्पाद होते हैं, चाहे आप मोबाइल पे देख लीजिए, चाहे टीवी पे देख लीजिए, चाहे रेडियो पे देख लीजिए, इन पर जब चीज़ों का बार बार विज्ञापन आता है तो जो कंज्यूमर होता है वो उस नई चीज़ के बारे में अच्छे से जान जाता है, और जब जान जाता है तो वो उसको खरीदने के लिए प्रोत्साहित होता है। तो एडवर्टाइजमेंट जो विज्ञापन है वो भी आज जो है बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसलिए ये सभी चीज़ें जो हैं ये व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं, यानी बिजनेस होने के लिए इन सभी क्रियाओं का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये क्रियाएं नहीं होंगी तो हम बिजनेस नहीं कर सकते। इसलिए बिजनेस के लिए ये सभी एक्टिविटीज जो है वो कंपलसरी हैं, और इन सब का उपयोग जो है धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में।